छतरपुर में थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने खुद की जान जोखिम में डालकर नदी में फंसे दो युवकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। पंकज शर्मा के इस साहसिक कदम की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तारीफ की है। तेज हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी में उतर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां दो युवक मछली पकड़ने नदी में गए हुए थे। बारिश की वजह से अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और दोनों युवक नदी में फंस गए। युवकों के नदी में फंसे होने की सूचना मिलते ही राजनगर थाना प्रभारी पंकज शर्मा घटनास्थल पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि रेस्क्यू टीम को आने में वक्त लगेगा, तो वे खुद ही एक व्यक्ति की सहायता से नदी में कूद गए और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंकज शर्मा की इस बहादुरी की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तारीफ की है। पंकज शर्मा को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सचमुच राजनगर में जो हमारे SI है, उन्होंने नदी में अपनी जान को जोखिम में डालकर पंकज शर्मा SI ने दो लोगों को बचाया है। उनको मैं बधाई देता हूं एज ए गृह मंत्री, और घोषणा भी करता हूं कि उन्हें राज्य के अंदर जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार भी हम देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।